हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मिनी स्टिच। फ्रेंड्स, इस प्रकार के नेट पीस अगर आपके पास भी बच जाते हैं तो आप भी उनको रीयूज करके बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बना सकते हैं घर पर, काफ़ी यूजफुल चीज़ें। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरे पास अलग अलग कलर के छोटे छोटे नेट पीस बचे हुए हैं, तो इनका हम रीयूज करना स्टार्ट करते हैं। पहले हम एक पीस को लेंगे, इसको डबल कर लेंगे और डबल कर लेने के बाद कॉर्नर साइड में, जैसे मैंने यहाँ पे एक बास्केट रखा है, आप कोई भी सर्कल यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन मैं जो बास्केट रखा है इसी के बिल्कुल पास में सटते हुए इसके ऊपर मार्किंग कर लेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। और सर्कल ड्रॉ करते हैं तो जैसे आप देख रहे हैं इसके तीनों चारों साइड में थोड़ा एक्स्ट्रा नेट फैब्रिक बचा हुआ है, तो वैसे ही बचा लेना है। और जो हमने सर्कल ड्रॉ किया था उसके एक्स्ट्रा हाफ इंच रखते हुए उसके बाद इसको हम कट करेंगे। तो यहाँ पर ये दो पीस कट हो गए हैं, थोड़ा सा जुड़ा हुआ है यहाँ पे, तो इसको कट करके हटा देंगे, किसी भी एक जगह निशान लगा लेंगे और उसके बाद इसका पूरे सर्कल का मेजरमेंट लेंगे। तो इसका जितना भी आएगा उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे और उसके बाद में यहाँ पर इसके चारों तरफ एक तिरछा पट्टी लेंगे, उसको डबल करके अटैच कर देंगे। इसको अटैच करके रेडी कर लेंगे और उसके बाद में जो हमने राउंड निकाला था उसी की लेंथ का एक स्ट्रिप लिया है, उसके भी एक साइड में कपड़ा अटैच करके रेडी कर लिया है। अब जो दूसरा है उसके ऊपर ऐसे पूरे राउंड में अटैच करेंगे और सेंटर से सिलाई लगा लेंगे, ये जो इसके दोनों छोर हैं इनको जोड़ लेंगे और नीचे वाले से अटैच करेंगे और अटैच करके फिर उसके ऊपर से कपड़े को लगा देंगे जैसे हमने ऊपर वाले पीस में लगाया था। अब जो ऊपर वाला पीस है उसको 4 इंच तक अटैच करेंगे, बाकी पूरे को ओपन छोड़ देंगे और जितना हमने ओपन छोड़ा है उसमें पूरे में एक जिप अटैच कर देंगे। तो जैसे आप ये देख रहे हैं बास्केट है, मैंने इस बास्केट के लिए कवर बनाया है, इसमें फ्रूट्स वगैरह रखते हैं या वेजिटेबल वगैरह रखते हैं तो छोटे छोटे जीव आकर के बैठ जाते हैं, बारिश का मौसम चल रहा है तो बच्चे इनको ऐसे उठाएंगे और खाएंगे। तो इसके बजाय आप ऐसे इसकी सेफ्टी कर सकते हैं, बना सकते हैं इसके लिए घर पर बड़ी ही आसानी से। तो आपको कैसा लगा पहला आइडिया कमेंट ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद दूसरे में मैंने ये एक सीधे साइज़ में इसको रख लिया है, 2 इंच विड्थ का स्ट्रिप कट किया है, लेंथ का कोई बाउंडेशन नहीं है, आप कितना भी लंबा इसमें रख सकते हैं, मतलब मिनिमम इसमें 25 इंच तक रहेगा। आप एक सुई में धागा डाल करके इसको जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं मैं इसके अंदर से धागे को दूसरे छोर तक निकाल रही हूँ, इसको पूरे को निकाल करके बिल्कुल सेंटर में रखते हुए हमको निकालना है। इधर धागे को सेपरेट कर देंगे, पूरा इसको पीछे तक खिसका देंगे, इसको हमको 3 इंच तक रखना है, 3 या 4 इंच तक आप रख सकते हैं इसको। उसके बाद में मैंने एक क्लिप लिया है, इसके ऊपर कोई डिजाइन वगैरह नहीं, तो अब इसके ऊपर ग्लू की सहायता से हम इसको यहाँ पर सेपरेट कर देंगे। यहाँ पर सेपरेट कर लेने के बाद में अब इसके ऊपर आप शो के लिए कोई स्टोन मोती वगैरह जो आप चाहें लगा सकते हैं, प्यारी सी क्लिप बन करके रेडी हो जाएगी। ये था मेरा दूसरा आइडिया। अब तीसरे में मैंने 4 लेयर में फोल्ड किया है, ब्लैक कलर का ये जो हमने लिया है नेट, इसमें 5 इंच का हम सर्कल कट कर लेंगे और सर्कल कट करके इसके साथ में हमको एक चाहिए वुलन थ्रेड चाहिएगा, वो भी हमको ब्लैक कलर का चाहिएगा। इसी के सेम साइज़ के ऊन के धागे काटेंगे जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये हमको ऐसे ही क्रॉस में लगा करके इनके ऊपर से सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद इसको ऐसे फोल्ड करेंगे नीचे की साइड में, उल्टा साइड में फोल्ड करेंगे और उसके अंदर इलास्टिक डाल देंगे। तो हमारे पास ये हेयर बन के लिए कवर बन करके रेडी हो गया है। और इसके आगे में ये है हमारा चौथा आइडिया, इसमें मैंने 10 इंच विड्थ का कट किया है नेट पीस को, इसको 4 बार फोल्ड किया है और ओपन साइडों में सिलाई लगा दिया, एक साइड को ओपन रखा है। उसके बाद इसमें एक डोरी डाल ली है, ये जैसे बारिश में साबुन ज़्यादा गलता है तो उसमें आप साबुन डाल करके यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप अगर
बाथिंग सोप यूज़ कर रहे हैं तो एक प्यारा सा आपके लिए स्क्रब बन करके रेडी हो जाएगा। उसके बाद एक सर्कल कट किया, इसमें मैंने कपड़ा अटैच किया, अंदर इलास्टिक डाल दी। ये भी मैंने बास्केट के लिए एक कवर बना करके रेडी किया। पांचों में से आपको कौन सा आइडिया अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कर दे। चैनल पे नए तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर।